हाय एवरीवन, आज हम सीयूटी पीजी 2024 के लिए जनरल पेपर कोड सीओक्यूपी 11, जो कि डीयूएलएलबी, बीएचयूएलएलबी और काफी अदर कोर्सेज के लिए होता है, उसका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एक टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है जंबल्ड पैरा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। पहले इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के वेटेज देखते हैं। तो 2022 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था और 2023 में इससे लगभग तीन क्वेश्चन आए थे। 2023 में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे इंग्लिश से, जिसमें से थ्री क्वेश्चंस जंबल्ड पैराग्राफ के थे। अब ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस हैं जो कि लिए गए हैं। आइए इनको अटेम्प्ट करते हैं और कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। क्वेश्चन बोलता है, गिवन बिलो आर फोर सेंटेंसेस इन जंबल्ड ऑर्डर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ऑप्शन ये क्या है? ऑप्शंस नहीं है एक्चुअली, ये सेंटेंसेस दे रखे हैं जिनको रीअरेंज करके एक पूरा पैराग्राफ बनाना है। तो बोलता है, द लिड कैन बी सील्ड ऑन टू द वेसल बाय मीन्स ऑफ अ रबर रिंग। ओके, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेसल। अब देखिए, अगर हमको सेंटेंस का पहला वर्ड, अगर हमको पहला सेंटेंस चूज करना है, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन होना चाहिए पहला सेंटेंस। अब जैसे ऑप्शन बी देखिए, ये बोलता है इट कंसिस्ट्स ऑफ, तो यहां पे इट क्या है ना? तो इट को समझना जरूरी है। अगर आप सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इट तो आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले किसी बारे में बात करी होगी फिर आप इट बोलेंगे, तो इसको एज अ इंट्रोडक्शन तो नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी देखिए, कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है एज अ फर्स्ट सेंटेंस। आगे देखते हैं, एट द सेंटर ऑफ द लिड। अगेन यहाँ पर ये सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि ये मिडल पार्ट है, पहले कुछ बात हो चुकी है उसकी कंटिन्यूटी है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अ प्रेशर कुकर इज अ वेसल इन विच फूड इज कुक्ड इन स्टीम अंडर प्रेशर। ये फिर भी बहुत लॉजिकल साउंड कर रहा है एज अ इंट्रोडक्शन। तो अगर हम देखें ऑप्शन डी को फर्स्ट रख के देखें, तो पहला ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री में पहला ऑप्शन डी रखा गया है, ठीक है। अब इस तरह से सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि आपको एग्जाम में, जहाँ की टाइम बहुत कम होता है, वहां पे आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, और उन्हीं ऑप्शंस की वजह से, मदद से आप अपना आंसर जल्दी निकाल सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब अगर हम पहला ऑप्शन डी रख के देखते हैं, तो ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री हमारे पास है। अब डी के बाद एक बार ट्राई करके देखते हैं। प्रेशर कुकर इज अ वेसल इन विच फूड इज कुक्ड इन स्टीम अंडर प्रेशर, द लिड कैन बी सील्ड ऑन टू द वेसल बाय मीन्स ऑफ रबर ऑफ अ रबर रिंग। ओके, उसके बाद बी, इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेसल मेड ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय विद अ लिड दैट फिट्स टाइटली ऑन द टॉप। ओके, और आखिरी में, एट द सेंटर ऑफ द लिड देयर इज अ वेंट और अ होल थ्रू विच स्टीम्स कैन एस्केप। ओके, अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है एक्चुअल में? ऑप्शन है थर्ड। अब थर्ड देखते हैं, फर्स्ट तो हमने रीड करके देखा था, अब थर्ड देखते हैं क्या होता है और लॉजिकल क्यों है ये भी हम पता करेंगे। थर्ड, सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही हो गया। अब प्रेशर कुकर इज अ वेसल, एक ऐसा वेसल है जिसमें फूड कुक किया जाता है बाय द मीन्स ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर। उसके बाद आता है ऑप्शन बी। अब कुकर के बारे में ही ये इट कौन है यहां पर? अब क्योंकि आपके पास इंट्रोडक्शन है, तो आपके पास प्रेशर कुकर की बात करी जा रही है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेसल मेड ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय, प्रेशर कुकर काफी स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम एलॉय से बना होता है, विद अ लिड दैट फिट्स टाइटली ऑन द टॉप। तो ये इसने इसको डिफाइन करा है, हाउ डज अ प्रेशर कुकर लुक्स लाइक, व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन सी पे, एट द सेंटर ऑफ द लिड। अब हमारे लिड की बात हो चुकी है, अब उसको कंटिन्यू कर रहा है, एट द सेंटर ऑफ द लिड देयर इज अ वेंट और अ होल थ्रू विच स्टीम कैन एस्केप, करेक्ट। एंड लास्ट ए, द लिड कैन बी सील्ड ऑन टू द वेसल बाय मीन्स ऑफ अ रबर रिंग, ये इसका कंक्लूजन है। दैट्स व्हाई आंसर नंबर थ्री इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर फोर सेंटेंसेस इन जंबल्ड ऑर्डर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ एक क्वेश्चन है, 2022 का है ये। क्या है? आई वॉज होपिंग टू फाइंड अ
फोटोकॉपियर स्टॉप एज आई ब्राउज्ड आई फेल्ट द बुकशॉप अटेंडेंट्स आईज ऑन मी सम इयर्स अगो ऑन अ विम आई वॉक इन टू अ स्मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन चर्च स्ट्रीट इन बैंगलोर इंस्टेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर आई डिस्कवर्ड अ स्मॉल सेकेंड हैंड बुकशॉप. अब देखिए आपको हम सबसे पहले हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पूरे सेंटेंस का, सेंटेंस या पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन क्या होगा. इंस्टेड देखिए आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, जैसे इंस्टेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर आई डिस्कवर्ड अ स्मॉल सेकेंड हैंड बुकशॉप, राइट. यहां पर पहले ही ये सेंटेंस की कंटिन्यूटी है, इंट्रोडक्शन नहीं है इंस्टेड, इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं एज अ इंट्रोडक्शन. सम इयर्स अगो दिस साउंड्स वेरी गुड स्टार्टिंग एज एन इंट्रोडक्शन. एज आई ब्राउज्ड, अब ये भी कंटिन्यूटी है, ये भी इसका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता. आई वॉज होपिंग टू फाइंड अ फोटोकॉपियर शॉप, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमको जो निकल के आता है वो है सम इयर्स अगो. ऐसे आप अपने पैराग्राफ का स्टार्ट कर सकते हैं. ऑन अ विम आई वॉक्ड इनटू अ स्मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन चर्च स्ट्रीट इन बैंगलोर, ठीक है. अब हमको पता है कि पहला सेंटेंस जो है हमारा वो सी है, तो सी देखिए सिर्फ दो ऑप्शंस में है, सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो है वो हमारे यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं. अब इनको हमको रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अब देखते हैं इसको कंटिन्यू करके देखते हैं, सी के बाद बी लगा के देखते हैं. एज आई ब्राउज्ड आई फेल्ट द बुकशॉप अटेंडेंट्स आईज ऑन मी, ओके. उसके बाद ए आई वॉज होपिंग टू फाइंड अ फोटोकॉपियर शॉप. अब शॉप की बात बाद में कर रहा है ऑप्शन वन, और बुकशॉप अटेंडेंट मतलब कि वो बुकशॉप में एंटर कर चुका है और फिर वो बाद में बता रहा है कि आई वॉज होपिंग टू फाइंड अ फोटोकॉपियर शॉप, ओके. अब इसके बाद क्या है, इंस्टेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर आई डिस्कवर्ड अ स्मॉल दिस. अब आपको पता चलेगा ये चार ऑप्शंस पढ़ के कि इंस्टेड जो है वो कहीं ना कहीं ए के बाद आ रहा है, राइट. क्योंकि वो है आई वॉज होपिंग टू फाइंड अ फोटोकॉपियर शॉप, इंस्टेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर आई डिस्कवर्ड अ स्मॉल सेकेंड हैंड बुक शॉप. तो ए पहले आएगा और डी बाद में आएगा, राइट. अब ये सारे पढ़ के हमने गेस तो लगा लिया, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा. इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, जैसा हमने कहा था ए पहले आएगा डी बाद में आएगा. अब इसको पूरा एक बार रीड करके देखते हैं. सम इयर्स अगो ऑन अ विम आई वॉक्ड इनटू अ स्मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन चर्च स्ट्रीट इन बैंगलोर आई वॉज होपिंग टू फाइंड अ फोटोकॉपियर शॉप. मैं सोच रहा था कि मुझे वो मिल जाए, इंस्टेड बल्कि मुझे ग्राउंड फ्लोर पे एक आई डिस्कवर्ड अ स्मॉल सेकेंड हैंड बुक शॉप. मैं चाह तो ये रहा था लेकिन मेरे को ये मिल गया. तो हमको ये तो पता था कि ए ऑप्शन के बाद डी आएगा, फर्स्ट में भी था सेकंड में भी था, बट इसके लास्ट में एज आई ब्राउज्ड अब वो बुकशॉप में एंटर कर चुका है. आई फेल्ट द बुकशॉप अटेंडेंट्स आईज ऑन मी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रीअरेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू अ मीनिंगफुल पैराग्राफ बाय मींस ऑफ वर्ड्स एंड लीडिंग हिम टू डू. द टिपिकल फॉर्म ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपोजिशन इज दैट अ स्पीच और सर्मन addressed to an audience. Persuasion is the art of influencing the will of another, some particular act advocated by the speaker or writer. अब आप लोग try करिए इसको solve करने का. I hope आप सभी ने ये try करा होगा. इसका correct answer देखते हैं. तो इसका जो correct answer है वो है option one. अब इसको read करते हैं साथ में. Persuasion is the art of influencing the will of another by means of words and leading him to do some particular act advocated by the speaker or writer. The typical form of this kind of composition is that speech or sermon addressed to an audience. Perfect answer एकदम. सबसे पहले हमने start किया कि persuasion क्या है, introduction किसका हो रहा है, persuasion का. Persuasion के बारे में बात करी जा रही है. Is the art of influencing the will of another. कैसे? By means of words and leading him to do. Leading him to do what? Some particular act advocated by the speaker or writer. ठीक है? और आखिरी में बात कही जा रही है. Typical form of kind of composition is that of a speech or sermon addressed to an audience. यहाँ पर sentence finish हो जाता है with a full stop. ये सब hints हैं जो आपको मदद कर सकते हैं आपका answer निकालने में. Next चलते हैं. Rearrange the given
सेंटेंसेस इनटू अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। ए बी सी डी आप लोग ट्राई करिए इसको, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप देखिए और एनालाइज करिए कि इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। आई होप आपने ट्राई करा होगा। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, पहले एक बार खुद पढ़ के देखते हैं। डील्स विद फिक्शन नॉट विद फैक्ट। अब डील्स लिखा है, अभी तक हमको नहीं पता कि हम किस चीज में डील कर रहे हैं, मेन टॉपिक क्या है, किस बारे में बात हो रही है। तो व्हाट डील्स विद फिक्शन, इसका आंसर निकल के नहीं आता, इसलिए इसको इंट्रोडक्शन नहीं ले सकते। बट टू प्लीज हिज इमेजिनेशन, बट इस कांट बी अ स्टार्टिंग, ये इंट्रोडक्शन नहीं हो सकती, इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकती। टू प्लीज हिज, अब यहाँ पर हिज कौन है, दिस ऑल्सो वी डोंट नो। आगे चलते हैं। इमेजिनेटिव कॉम्पोजिशन डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग सिंस इट्स एम इज नॉट टू इंस्ट्रक्ट द माइंड ऑफ द रीडर। ओके, अब सिंस इट के बाद की कंटिन्यू लाइन क्या हो सकती है? सिंस इट बट नो, सिंस इट्स एम नो, अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग सिंस इट डील्स विद द फिक्शन नॉट विद फैक्ट। तो हमको कहीं ना कहीं पढ़ के तो पता चल गया है कि सी पहले आएगा और ए बाद में आएगा, सी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। ऐसे जो ऑप्शन दिखे आपको जिसमें ये अपोजिट हो रहा है, उनको आप तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे इसमें सी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, सी पहले ए बाद में कंसिडर कर सकते हैं, सी पहले ए बाद में, और ये वाला लास्ट जो ऑप्शन है इसको आप तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। अब इंट्रोडक्शन हमको क्या पता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और इट्स स्टार्टिंग क्या लिखा है, इट्स, तो हमको ये भी नहीं पता कि किस बारे में बात हो रही है, तो हम ऐसे इंट्रोड्यूस या फिर ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको पता है कि पहला ऑप्शन, पहली जो सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं सी होगा। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड को ही कंसिडर करेंगे और सेकेंड ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। अब इमेजिनेटिव कंपोजिशन डिफर्स फ्रॉम द फॉर्म ऑफ राइटिंग सिंस इट डील्स, हमको पता है सी के बाद तुरंत ए आएगा ना कि बी। तो इसके साथ अब हम करेक्ट आंसर हम अभी बता सकते हैं अपना कि थर्ड इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड। अभी हमने पूरे कंसिडर नहीं करे, लेकिन बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन हमने अपना आंसर डिराइव कर लिया। ये हमको पता था, ये हमारी इंट्रोडक्शन लाइन होगी। सिंस इट को कंटिन्यू करने वाला, सिंस इट इट्स नहीं हो सकता, सिंस इट बट नहीं हो सकता, सिंस इट डील्स विद फिक्शन एंड नॉट विद फैक्ट्स। ठीक है, सी और ए, सिर्फ हमको यही दो ऑप्शन हमने रीड करे थे और हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया, आंसर थ्री। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, अब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर लिया, आपको पता लग गया होगा कि डिफिकल्टी कुछ ज्यादा नहीं है इन इस टॉपिक से, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं और जितने क्वेश्चंस आए आप उनको 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब हम टिप्स देखते हैं कि हमको क्या क्या टिप्स है जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में आसानी होगी जिनसे। अब देखते हैं टिप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम पैराजंबल्स। पहला क्या बोलता है, ईच पैराजंबल्स कैन मेक यूज ऑफ वन और मोर ऑफ दीज टिप्स फॉर सॉल्विंग। ओके, डू नोट दैट दीज टिप्स शुड बी अप्लाइड डिपेंडिंग ऑन द यूनिक पैराजंबल्स क्वेश्चन पोज्ड टू यू। सम प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय आर्टिकल्स एज अ क्लू। आप आर्टिकल से पता लगा सकते हैं कि इसका नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, कि एन लिखा है तो वॉवल होगा, ए लिखा है तो वॉवल होगा, द होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा। व्हाइल सम मे नीड प्रोनाउन एज अ गाइड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हेयर आर फ्यू टिप्स टू सक्सेसफुली सॉल्व पैराजंबल्स। पहला क्या है, आइडेंटिफाइंग द ओपनिंग स्टेटमेंट। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे और हमने हर सबसे पहले पहले ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए हमने क्या चुना कि उसकी इंट्रोडक्टरी लाइन क्या है, उसको ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगी। अगर आपको चार में से एक ऑप्शन पता चल जाता है जो उसकी इंट्रोडक्शन है, तो आप पहले ही बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप दो ऑप्शन तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर सकते हैं और आप दो ऑप्शन के साथ बच जाएंगे जिस मेथड को यूज करके अभी हमने पीवाईक्यू सॉल्व करें। ठीक है, लुक फॉर द सेंटेंसेस दैट क्लियरली इंट्रोड्यूसेस अ पर्सन। इंट्रोड्यूस करें किसी पर्सन को, प्लेस को, कमिटी और कंसेप्ट इन द पैराजंपल दैट विल मोस्ट लाइकली टू बी द ओपनिंग सेंटेंस। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है पैराजंपल में।
एग्जाम्पल ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपनिंग अप द प्रेजेंट इन द सॉलिट्यूड ऑफ हिज रूम ही संजय's बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विद अ बिग बैश संजय's बट द गेस्ट्स इंसिस्टेड ही ओपन देम अप राइट देयर. देखिए ठीक है. अब सेवरल पीपल अराइव्ड एट हिज होम बियरिंग गिफ्ट्स बोथ बिग एंड स्मॉल. अब यहां पर देखिए इंट्रोडक्टरी लाइन क्लियरली द फर्स्ट लाइन मस्ट बी स्टेटमेंट बी. स्टेटमेंट बी क्यों? क्योंकि अगर हम फर्स्ट लाइन देखें तो ही एक प्रोनाउन की बात हो रही है. अब यहां पर ही कौन है ये हमको पता ही नहीं है. तो सेंटेंस की इंट्रोडक्टरी हमेशा किसी इंट्रोड्यूस करेगी या पर्सन को प्लेस कमिटी कंसेप्ट को. यहां पर क्या है पर्सन कौन संजय की स्टेटमेंट के बाद ही यूज किया जा सकता है. पहले आप ही नहीं डालेंगे और बाद में संजय नहीं आएगा. सो हमको पता चलता है कि पहली स्टेटमेंट तो बी होगी. दिस इज बिकॉज द होल पैसेज टॉक्स अबाउट गिफ्ट्स एंड गेस्ट एंड व्हाट हैपेंस एट बर्थडे. बर्थडे किसका संजय का. सो द फर्स्ट सेंटेंस मस्ट नेसेसरीली इंट्रोड्यूस द पर्सन हूज बर्थडे इट इज. एग्जैक्टली ही इज रेफर्ड टू by his name in the sentence whereas the remaining sentence refers to him as he jo ki humne baat kari thi. theek hai this is another indication that sentence b is the opening line. okay aage chalte hain. dusra rule kya hai identifying the central theme. always spot the central theme of each paragraph. the flow of the story dialogue goes a long way in piecing together the paragraph in the correct order. आपको सेंट्रल थीम पता होना चाहिए कि जो ऑथर है जो राइटर है इसका वो हमसे कहना क्या चाहता है या फिर ये जो बात चल रही है किस बारे में बात चल रही है उससे आपको पता चलेगा. जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि बर्थडे की बात चल रही है तो बर्थडे का जैसे ही आपको ये सेंट्रल थीम पता चल जाता है तो आपको एक सिक्वेंस ड्राइव करने में आसानी हो जाती है कि किसका बर्थडे था कौन कौन लोग आए क्या क्या गिफ्ट लाए. तो ये सिक्वेंस पता करने में आपको आसानी करता है सेंट्रल थीम. नेक्स्ट क्या है फॉलो द एक्टिविटीज. एट द टाइम द पैराजम्बल विल हैव सेंटेंसेस टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज. इन सच केसेस बाय जस्ट एनालाइजिंग विच एक्टिविटी हैपेंस व्हेन द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली. अब इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं. ही एक्यूमुलेट्स सम कैपिटल एंड गोज इन टू अ बिजनेस वेंचर विद हिज सन्स. ही की बात करिए ये ध्यान रखिए ही. ही कौन है हमको नहीं पता तो क्या ये इंट्रोडक्शन हो सकता है. नॉट एट ऑल. आप इसको एज अ इंट्रोडक्शन लाइन तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए. ए नहीं हो सकता. आगे देखते हैं. इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज सैलरी ही वर्क्स थ्रू द नाइट. इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज सैलरी. अब हिज कौन है यहां पर अगेन वी डोंट नो. इसको भी आप एज अ इंट्रोडक्शन लाइन नहीं ले सकते. दे ओपन अ शॉप टू क्रिएट मेन्स गारमेंट्स. लेटर ही टेक्स ये भी इंट्रोडक्शन लाइन नहीं हो सकती. ही टेक्स गारमेंट्स फ्रॉम द स्वेट शॉप टू फिनिश एट होम विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ एंड ओल्डर चिल्ड्रन एट नाइट. अगेन ही क्या इंट्रोडक्शन लाइन हो सकती है नहीं. अ रशियन टेलर आर्टिशियन कम्स टू अमेरिका टेक्स टू द नीडल ट्रैक वर्क्स इन स्वीट शॉप फॉर स्मॉल सैलरी. अ रशियन टेलर क्या ये किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है. यस. क्या ये हमारी इंट्रोडक्शन लाइन हो सकती है. यस. क्या एफ ऑप्शन का सिर्फ एक ही ऑप्शन है फर्स्ट. यस. अभी हमने बाकी सारी चीजों पर तो ध्यान ही नहीं दिया सिर्फ इंट्रोडक्शन लाइन का यूज किया है. सीक्वेंस और सेंट्रल थीम पर ध्यान ही नहीं दिया. इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. करेक्ट आंसर वुड बी एफ ई बी डी ए सी. जस्ट बाय नोइंग द इंट्रोडक्शन लाइन कि क्या ये हमारी इंट्रोडक्शन लाइन हो सकती है हमने इसका करेक्ट आंसर निकाल लिया. हमने कैसे एलिमिनेट करा. ही टेक्स प्रोनाउन यूज हो रहा है इंट्रोडक्शन लाइन नहीं हो सकती. लेटर ही टेक्स प्रोनाउन यूज हो रहा है हमको नहीं पता कि ही कौन है तो ये इंट्रोडक्शन के लिए पहले आपको बताना होगा ना कि किस इंसान के बारे में बात हो रही है तभी तो आप उसका प्रोनाउन यूज कर पाएंगे. दे ओपन अ शॉप दे अगेन प्रोनाउन. दे कौन है वी डोंट नो. इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज सैलरी वी डोंट नो हु इज हिज. ही एक्यूमुलेट्स. जस्ट बाय नोइंग दिस हमने अपना आंसर करेक्ट कर लिया. इसका आंसर की डिटेल आंसर देखते हैं क्या होगा. द स्ट्रगल ऑफ अ टेलर टू हिज एक्टिविटी ट्रैकिंग. अब हम इसकी एक्टिविटी ट्रैक कर रहे हैं. फाइंडिंग द ओपनिंग सेंटेंस हियर इज अ केक वॉक
दैट वी डिड. सेंटेंस एफ क्लियरली स्पेसिफाइज द पर्सन एंड हिज वर्क, सो इट्स ओपनिंग स्टेटमेंट. ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो गई, जिससे हमारा सिर्फ आंसर निकल भी सकता है, लेकिन हमको मेथड जानना है ताकि हम और जो क्वेश्चंस करें उनको बेटर वे में अटेम्प्ट कर पाए. अब आगे के देखते हैं. नाउ सीक्वेंस अनफोल्ड्स. अब हम सीक्वेंस की बात करेंगे. अ मैन वर्क्स इन अ शॉप टू अर्न हिज डेली ब्रेड. ओके. ही देन गोज होम एंड वर्क अगेन विद हिज फैमिलीज हेल्प. ओके. ही देन स्टार्ट्स वर्किंग थ्रू द नाइट टू अर्न मोर. ओनली आफ्टर हैविंग वर्क डे एंड नाइट Does his work get ready for sale? The sequence just shown should give you hints for a part of the answer. After F, the order is EBD. Kya hoga? He takes. Ab Russian tailor kya karta hai? He takes garments from sweatshop to finish at home with the help of his wife and older children at night. ठीक है. इसके बाद इसका introduction हो गया. ये काम करता है. उसके बाद in order to increase his salary. अब हमें पता चल गया कि वो काम क्या करता है. बता रहे कि वो अपनी सैलरी इंक्रीज करने के लिए क्या करता है. He works through the night. वो रात में भी काम करता है. क्या? Later he takes the garments and sells it on New York's street. ठीक है. अब ये एक सीक्वेंस पता चला हमको. सेंटेंस सी स्पीक्स ऑफ अ शॉप दैट द मैन ओपन्स. क्या है? दे ओपन अ शॉप टू क्रिएट मेन्स गार्मेंट्स. ओके. सो ही हैज टू अरेंज फॉर द कैपिटल फर्स्ट. Hence, A will come after C. He accumulates some capital and goes into a business venture with his sons. तो वो एक business venture start करता है and then they open a shop to create men's garments. तो ये था एक detailed answer इसका, और आपको पता चला होगा कि किस method से हमने इसका answer निकाला है. ये method आपको help करेगा और सारे questions attempt करने में. तो अब तक जो हमने किए वो थे previous year question papers. और अब हम जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, जिसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या किस तरह के टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इन द डिस्टेंस वी वंडर्ड वी. अब इसमें चारों ऑप्शंस में वी आ रहा है, तो इसमें डिफिकल्ट हो जाता है बाय द मीन्स ऑफ प्रोनाउंस ये तय करना कि इंट्रोडक्शन लाइन क्या होगी. इसमें हमको सीक्वेंस देखना होगा एक्ट्स का कि किस सीक्वेंस में चीजें आगे बढ़ रही हैं. व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग. ठीक है. वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक. ठीक है. वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और अ बर्निंग हाउस. ओके. वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ. अब यहां पर सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हमको पढ़ के पता चलता है कि एक ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक था. कहीं से दूर से देखने पे बहुत सारा स्मोक नजर आ रहा था. अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और अ बर्निंग हाउस. तो दे जस्ट वंडर्ड कि ये आ कहां से रहा है, इसका ओरिजिन क्या है, ये चिमनी से आ रहा है या बर्निंग हाउस से आ रहा है. ठीक है. अब जब वो करीब गए, व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट स्प्रिंग. अब जब उन्होंने हॉट स्प्रिंग देखी, जो वो करीब गए तो उनको पता चला कि ये तो हॉट स्प्रिंग से स्मोक आ रहा है. उसके बाद वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन हॉट वाटर. तो एटलीस्ट आपको कुछ नहीं पता चलता तो आपको ये तो पता चल रहा है कि पहले वो हॉट वाटर, पहले वो स्प्रिंग के पास गए हॉट स्प्रिंग के, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक बाथ लेंगे उस हॉट वाटर में. तो ए पहले आ रहा है, डी बाद में आ रहा है. ठीक है. अब ऐसा किस किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो इसको तो आप तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए. ठीक है. फिर सबसे इन दो एक्ट में सबसे पहले क्या हो रहा है, वी सॉ इन द डिस्टेंस ऑफ अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक व्हेन वी गॉट नियर. पहले बी आएगा फिर ए आएगा, तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा, इसको एलिमिनेट कर दीजिए. पहले बी आएगा फिर ए आएगा, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए. जस्ट बाय दिस मेथड हमको पता चलता है कि हमारा करेक्ट आंसर सी होगा. इसका आंसर देखते हैं आप. सी, जैसे हमने अटेम्प्ट करा है बिल्कुल वैसे ही इन्होंने भी बताया कि करेक्ट आंसर सी होगा. सेंटेंस बी विल बी स्टार्टिंग लाइन एज इट कंटेन्स द मेन आइडिया. मेन आइडिया क्या है कि ये स्मोक कहां से आ रहा है, अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक. हाउएवर सेंटेंस सी स्टेट्स दैट दे वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ. अब जब उन्होंने वो देख लिया तो उसके बाद उन्होंने वंडर किया कि इसका ओरिजिन क्या है. फिर वो उसके पास गए, दे गॉट नियर इट एंड दे
देन दे थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन इट। ऐसे हमने इसका करेक्ट आंसर पता लगा लिया। नेक्स्ट देखते हैं, बट द ईगल इन रॉथ गेव द बीटल अ फ्लैप ऑफ हिज विंग एंड स्ट्रेट अवे सीज्ड अपॉन हेयर एंड डेवर्ड हिम। द बीटल देयरफॉर इंटरसीडेड विद द ईगल begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill such a small animal. When the eagle flew away, the beetle flew after him to learn where his nest was. A hare, being pursued by an eagle, took himself to refuge to the nest of a beetle whom he begged to save him. Ab aap log time lijiye aur isko solve karne ka try kijiye. I hope aap sabhi ne try kara hoga सॉल्व करने का। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए, डी बी ए सी। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी यहां से, यहां पे सी से क्यों नहीं होगी, व्हेन द ईगल फ्लू अवे, ये इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि बात का बता रहा है। द बीटल देयरफॉर, देयरफॉर आगे की बात कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। बट द ईगल इन द रॉथ, बट आ गया, तो इंट्रोडक्शन लाइन इसमें पता चल रही है कि डी होगी। अ हेयर बीइंग पर्सीव्ड बाय एन ईगल टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूजी टू द नेस्ट ऑफ अ बीटल हुम ही बेग टू सेव हिम। ओके, इसके बाद क्या आएगा, कहां तक पहुंच गए, द नेस्ट ऑफ अ बीटल हुम ही बेग टू सेव हिम। अब इसके बाद बीटल की बात हो रही है तो बीटल की ही कंटिन्यूटी होगी। द बीटल देयरफॉर इंटरसीडेड विद द ईगल बेगिंग ऑफ हिम नॉट टू किल। यहां पर बात हो रही थी बैक टू सेव हिम और यहां पर बात हो रही है बेगिंग, बीटल की बात हो रही है बेगिंग ऑफ हिम नॉट टू किल द पुअर सप्लायंट एंड प्लीडेड हिम, प्लीडेड विद हिम नॉट टू किल सच अ स्मॉल एनिमल। डी के बाद तुरंत बी आएगा जो कि हमको पता चलता है। इसके बाद ए, बट द ईगल, अब ईगल ने रिप्लाई में क्या करा, इन रॉथ गेव द बीटल फ्लैप ऑफ हिज विंग एंड स्ट्रेट अवे सीज्ड अपॉन द हेयर एंड डेवर्ड हिम। ये उसका एक्ट था उसके प्लीड करने के बावजूद। इसके बाद में सी आएगा, When the eagle flew away, the beetle flew after him to learn where his nest was. तो ये सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स थे। इंट्रोडक्शन इससे हमको पता चला कि डी था। उसके बाद सिर्फ सीक्वेंस में आप जाइए कि उसने प्लीड करा बीटल से, बीटल का ये एक्ट था जो कि बी में मैंशनड है, फिर उसके रिप्लाई में ईगल ने क्या करा वो ए में मैंशनड है, एंड देन उसके बाद में ईगल फ्लू अवे और बीटल ने उसका पीछा करा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, एक्सीलेंटली वेल सेड शी, वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, आई हैव बट वन प्रेयर दैट वी मे हैव अ हैवी स्टॉर्म ऑफ रेन टू वाटर आवर प्लांट्स। ठीक है, अ मैन हु हैड टू डॉटर्स मैरिड वन टू अ गार्डनर एंड द अदर टू अ पॉटर, सी ऑफ ही वेंट, ही वेंट, इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। After a while he paid, again ये भी हमारा introduction तो नहीं हो सकता। अब option A और B, ठीक है, आप लोग अब इस इतनी मैंने आपकी help करी है, अब आप video pause करके try करिए इसका correct answer निकाल लेंगे। I hope आप सब निकाल लेंगे। चलिए अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। आई होप आप सभी का आंसर करेक्ट होगा। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्यों। सी और डी को एज अ इंट्रोडक्शन तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, सी एंड डी को, तो इसी तरह इंट्रोडक्शन डी तो नहीं हो सकती थी, बी ए बी। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमको कहीं ना कहीं पता था कि हमारी बी होगी क्योंकि ये किसको इंट्रोड्यूस कर रही है, अ मैन हु हैड टू डॉटर्स मैरिड वन टू अ गार्डनर एंड द अदर टू अ पॉटर। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर अ व्हाइल ही पेड अ विजिट टू द गार्डनर्स होम एंड आस्क्ड हिज डॉटर हाउ शी वाज एंड हाउ इट फेयर्ड विद हर। ओके, इसके बाद क्या आता है, ए, एक्सीलेंटली वेल शेड सी। अब जब वो अपनी बेटी से मिलने गया उसके बाद उसने कहा ये, तो इसमें पहले डॉटर का इंट्रोडक्शन होना जरूरी था। ठीक है, इसलिए डी पहले आएगा और ए बाद में। वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, आई हैव बट वन प्रेयर दैट वी मे हैव दिस,
इसके बाद उसने अपने पापा से ये कहा, इसलिए डी के बाद ए आएगा। पर एट लास्ट ऑफ ही वेंट टू द पॉटर्स होम एंड आस्क्ड हिज डॉटर हाउ मैटर्स वेयर विद हर। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। अब आगे चलते हैं। व्हाइल इंडिया इज होम टू 75% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड, द ग्लोबल टाइगर डे एज इट इज ऑल्सो नोन सीज अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज इन द कंट्री एज वेल एज इन नेबरिंग बांग्लादेश एंड नेपाल। ठीक है, इस क्या हम इसको एज इंट्रोडक्शन लाइन ले सकते हैं? देखते हैं आगे। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इट्स किसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमें नहीं पता, यहाँ पर इट्स किसकी बात की जा रही है। इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन दिस एट द सेंट पीटर्स, क्या ये किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है? हाँ, इंटरनेशनल टाइगर डे को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन लाइन हो सकती है। आगे देखते हैं। दिस एनुअल इवेंट, दिस दिस, अगर आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो क्या आप उसको दिस से करेंगे? हमको पता ही नहीं है कि यहाँ बात किसकी हो रही है, तो ऑप्शन ए हमारा कहीं पे भी इंट्रोडक्शन नहीं है। बी और डी को हम एलिमिनेट कर चुके हैं एज ए इंट्रोडक्शन लाइन, तो हमको ये पता है कि हमारा जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो सी से शुरू हो रहा है। जस्ट बाय दिस आप ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी को तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। अब सी के बाद डी। इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व ऑन 29 जुलाई एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। अब हमको पता चल गया कि एक एनुअल इवेंट है जो कि 29 जुलाई को होता है। ओके, इसके बाद देखते हैं अब इस इवेंट का पर्पस क्या है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर। आगे ए। व्हाइल इंडिया इज 75% ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड, होम टू 75% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड, एंड देन कम्स दिस एट लास्ट। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या वही है जो हमने सॉल्व करा है। यस, इसका करेक्ट आंसर है ए, सी डी बी ए। जिस तरह हमने सॉल्व करा बिल्कुल उसी तरह ये करेक्ट आंसर बन जाता है इसका। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आई होप आप सब सॉल्व करें, इसके बाद फिर हम साथ में डिस्कस करते हैं। आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व करा होगा वीडियो पॉज करके। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एट लेंथ द ऑलिव ट्री ब्रांचेस ब्रोक विद द स्नोज वेट एट वंस डिस्पॉइलिंग इट ऑफ इट्स ब्यूटी एंड किलिंग द ट्री। अ शावर ऑफ स्नो फेल अपॉन देम एंड फॉल फेल अपॉन देम। क्या ये इंट्रोडक्शन हो सकता है? यहाँ पर देम कौन है हमें पता ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंडिंग द फिग ट्री विदाउट लीव्स, द स्नो फेल थ्रू द ब्रांचेस टू द ग्राउंड एंड डिड नॉट इंजर इट ऑल। द ऑलिव ट्री रिडिकल्ड द फिग ट्री बिकॉज व्हाइल शी वॉज, हु इज शी, वी डोंट नो, स्टिल वी सी, व्हाइल शी वॉज ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड द फिग ट्री चेंज इट्स लीव विद सीजन्स। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी बी ए और सी। इंट्रोडक्शन होगा डी, द ऑलिव ट्री रिडिकल्ड द फिग ट्री बिकॉज व्हाइल शी, यहाँ पर शी किसके लिए यूज किया गया आप देखिए, शी वॉज ग्रीन ऑल द ईयर राउंड द फिग ट्री। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद क्या आ रहा है। ऑप्शन बी, अ शावर ऑफ स्नो फेल अपॉन देम, यहाँ पर देम कौन है, ट्री की बात हो रही है। फाइंडिंग द ऑलिव फुल ऑफ फॉलिएज इट सेटल्ड अपॉन इट्स ब्रांचेस। इसके बाद ए, एट लेंथ द ऑलिव ट्री ब्रांचेस ब्रोक विद स्नोज वेट एट वंस डिस्पॉइलिंग इट ऑफ इट्स ब्यूटी एंड किलिंग द ट्री। अब स्नो उससे गिर गई भारी वजन से। एट लास्ट सी क्या है, फाइंडिंग द फिग ट्री विदाउट लीव्स द स्नो फेल थ्रू द ब्रांचेस टू द ग्राउंड एंड डिड नॉट इंजर इट एट ऑल। इसमें आपको क्या मेथड यूज करना है, सीक्वेंस, आपको पता लगाना है कि सीक्वेंस क्या है। ठीक है, और सेंट्रल थीम किस बारे में बात हो रही है, यहाँ पर ट्री और स्नोफॉल के बारे में बात हो रही है और उनके इम्पैक्ट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन ही वेंट टू हिज हाउस एंड नॉक एट द डोर। ठीक है, अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम व्हेन ही रीच्ड, डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ, ही डिसाइडेड। वन डे ही रोट अ लेटर टू हिज फैमिली
तो इसमें सेम वही क्वेश्चन है जिसमें हम प्रोनाउन से पता नहीं लगा सकते, बट हमको इसमें सीक्वेंस देखना होगा इवेंट्स का आंसर पता लगाने के लिए। देखते हैं। वन डे ही रोट अ लेटर टू हिज फैमिली बट कुड नॉट फाइंड एनी वन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन। डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ। When he reached his town, he went to his house and knocked at the door. A man went away from his home. इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। A man went away from his home. A man went away from his home. One day he wrote a letter to his family, but could not find anyone to take the letter to his town. जब कोई नहीं, उसका लेटर किसी ने लिया तो वो डिसअपॉइंट होके उसने सोचा कि वो खुद जाएगा। जब वो वहां पर गया, he went to his house and knocked at the door, full stop. ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। सेंटेंस बी विल बी स्टार्टिंग लाइन एज इट कंटेन्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराजेंबल। ठीक है, द स्टोरी ऑफ अ मैन गोइंग अवे फ्रॉम हिज होम। However, sentence D states that one day the man wrote a letter to his family, but could not find anyone to take the letter. So D will follow B. Exactly. Further, sentence C states that the man goes disappointed, so he decided to take it himself. And sentence A states that when he reached his town, he went to the house and knocked at the door. So A will follow C. Going through the options, option B has the correct sequence. Next, देखते हैं. Question 7th. Then I took him by the hand and held him across the street. Okay, I was going to the market when I saw a blind man trying to cross the street. एक इंसान जो कि कोशिश कर रहा है स्ट्रीट क्रॉस करने के लिए, a blind man. Okay, he expressed his gratitude with folded hands. Who is he? Maybe a blinded man. अभी हम आगे देखते हैं. I walked across to the blind man. ये सबसे इजी क्वेश्चन है ऐसे, इसमें आपको मार्क्स स्कोर करने ही करने। कितना इजी है, इसका आंसर क्या होगा। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा, ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, मैं उनके पास गया। आई वॉक अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन। उसके बाद मैंने क्या किया, देन आई टुक हिम बाय द हैंड एंड हेल्ड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, और उसके ग्रेटिट्यूड में उन्होंने फोल्डेड हैंड से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करा। तो सबसे पहले क्या आएगा, बी। एक ही ऑप्शन है बी। सिर्फ अगर आपको इंट्रोडक्शन लाइन पर चल रही है देखिए, तो आप कितने इजीली बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं बाकी जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके लिए। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी सी, दिस वॉज एन इजी वन। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिस इन्विटेशन हैज हेल्प्ड अस टू हील वुंड्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सॉरी, इनविटेशन नहीं, इन्वेंशन, माई मिस्टेक। पेंसिलिन, पेंसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग। किसके बारे में बात करिए, पेंसिलिन इज वन ऑफ द यूजफुल ड्रग मैन हैज इन्वेंटेड। ठीक है, अब दिस इन्वेंशन, अब आपको पता चल गया कि किस इन्वेंशन के बारे में बात हो रही है, पेंसिलिन के बारे में। तो कहीं ना कहीं ए जो है वो हमेशा बी के बाद आएगा, क्योंकि पेंसिलिन का इंट्रोडक्शन होना पहले जरूरी है, तभी आप बोल सकते हैं कि दिस इन्वेंशन। In the beginning, however, very few people knew of this discovery and its use. अब किस बारे में बात हो रही है, of this discovery. Again, आप कह सकते हैं कि B पहले आएगा और C बाद में आएगा. Its use has saved the lives of hundreds of thousands of soldiers. तो सबसे पहले B आएगा, ये तो हमको पता चल गया है. Again, by the method of elimination, आपको इसका correct answer पता चल गया है. B, A, D and C. इसका correct answer देखते हैं. Option number C. Penicillin is one of the most useful drug man has invented. This invention has helped us to heal wounds caused by bacteria. Its use has saved the lives of hundreds of thousands of soldiers. But at last, in the beginning, however, very few. Just by introduction line, आप देखिए आप कितने easily अपना answer derive कर सकते हैं और अपना precious time save कर सकते हैं. Next देखते हैं. This awareness has motivated everyone to go for physical exercise. This, कौन सी awareness? देखते हैं. These days people are more aware of their health. In addition,
अब इन एडिशन जैसे वर्ड कब यूज होता है, जब आपको पहले कुछ बात बता दी गई हो उसके एडिशन में आपको कुछ बाकी बात बताई जानी हो। तो इन एडिशन आप देखिए कभी भी इंट्रोडक्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, इट इज एडवाइजेबल बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेन डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स। इट इज एडवाइज, एडवाइस किस पे दी जा रही है, वी डोंट नो। देखिए, दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, ओके। दिस अवेयरनेस हैज मोटिवेटेड एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेस, ओके। इतना तो हमको पता चल गया है, क्या इससे हमारा आंसर डिराइव हो सकता है? सी और डी हमको कंफ्यूजन है, देखते हैं क्या होगा। इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइजेस सम प्रेफर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स टू। अब लास्ट में बात करी गई है फिजिकल एक्सरसाइजेस की, और ये उसी का एडिशन में बताया जा रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए के बाद तुरंत सी आएगा? तो अगर ऐसा है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी बन जाता है। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर वुड बी सी। क्यों? सबसे पहले हमने बात करी कि आजकल लोग अवेयर किस बारे में है, हेल्थ के। फिर हम बात कर रहे हैं कि इस अवेयरनेस से लोग मोटिवेट हो गए हैं फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। अब इसके एडिशन में, इन एडिशन टू दिस, कुछ लोग प्रेफर कर सकते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स टू। लेकिन अब इसके कंटिन्यूशन में क्या बोलते हैं, एडवाइजेबल यही है कि आप कंसल्ट करें किसी ट्रेनर या डॉक्टर को बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स। सो दिस वुड बी द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड सेंटेंसेस। आगे देखते हैं। 10, देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजंस एज वेल अलोंग विद इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन। बात कर रहा है सेकेंडरी रीजंस के बारे में, ठीक है। द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब विच टर्म, वी डोंट नो, इज यूज टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का प्राइमरी रीजन क्या बताया जा रहा है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टूडे, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। करेक्ट आंसर वुड बी सी। सबसे पहले हमारा आएगा ग्लोबल वार्मिंग, जिसके बारे में बात करी जा रही है, इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। इसके बाद बात करी जाएगी बी की। टर्म क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। तो हमको पहले, सबसे पहले टर्म पता चली क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। फिर उस टर्म के बारे में पता चला कि ये क्यों यूज करा जाता है। अब उसके प्राइमरी ड्राइवर के बारे में बात करी जाएगी, और फिर उसके सेकेंडरी रीजंस के बारे में। ये होगा इसका करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th, विच एवर सूनेस्ट मेड अ ट्रैवलर टेक ऑफ हिज क्लोक शुड बी अकाउंटेड द मोर पावरफुल। दे अग्रीड, दे हु वी डोंट नो, दे अग्रीड टू पुट दिस, पुट द पॉइंट टू टेस्ट, ओके। अ डिस्प्यूट वंस अरोज बिटवीन द विंड एंड द सन टू डिसाइड विच वॉज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन हो सकती है, क्योंकि ये एक कंसेप्ट या फिर एक स्टोरी जैसे बिगिन होती है, उसका इंट्रोडक्शन लाइन लग रही है। द विंड बिगैन। अब इस सेंटेंस में पहले बात करी गई है एक कंफ्लिक्ट या डिस्प्यूट के बारे में, जो विंड और सन के बीच में होता है। उसके बाद विंड के बारे में बात करी गई है। द विंड बिगैन एंड ब्लू विद ऑल हिज माइट एंड सेंट अ ब्लास्ट कोल्ड एंड फियर्स एज अ स्टॉर्म, ठीक है। उसके रिप्लाई में विंड ने क्या किया, ये यहाँ लिखा है। अब उसके बाद क्या, विच एवर सूनेस्ट मेड अ ट्रैवलर टेक ऑफ हिज क्लोक शुड बी अकाउंटेड द मोर पावरफुल। ये बताया गया है कि मोर पावरफुल कौन होगा, ये किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। सूनेस्ट मेड अ ट्रैवलर टेक ऑफ हिज क्लोक, ठीक है। अब इसको पढ़ के हमको क्या समझ आता है कि एक डिस्प्यूट है, उसको सेटल करने के लिए दे अग्री टू पुट अ पॉइंट टू दिस, पॉइंट टू टेस्ट, ठीक है। और उसके रिप्लाई में विंड ने क्या एक्शन लिया, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। सी तो हमको कहीं ना कहीं पता है कि इसका इंट्रोडक्शन लाइन होगी, तो ए और सी में हमारा कंफ्यूजन है मेनली। लेकिन सी के बाद डी आया गया है बाद में, क्या सी के तुरंत बाद डी आएगा या फिर सी के बाद तुरंत बी आएगा। एक डिस्प्यूट हुआ और लोगों ने अग्री किया उसको, पॉइंट टू टेस्ट इट। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी सी। पहले डिस्प्यूट होता है, लोगों ने फिर डिसाइड किया, दे अग्रीड। यहां पर दे कौन है, विंड एंड सन,
दे एग्री टू पुट द पॉइंट टू टेस्ट, ठीक है। उसके तुरंत बाद एक पैरामीटर सेट किया गया अकाउंट करने के लिए कि कौन ज्यादा पावरफुल है, और उसके कॉन्सिक्वेंस में विंड ने अपना एक्शन लिया। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई वॉज शॉक टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड, टू आई वॉज, ठीक है, टू माई एस्टोनिशमेंट आई फाउंड दैट माई सन हु हैड अ स्पेयर की हैड कम इन माई एब्सेंस। ओके, लास्ट संडे आई रिटर्न होम लास्ट लेट एट नाइट। ओके, आई रैन इन साइड इन फियर दैट माई हाउस हैज बीन रॉब्ड। दिस इज एन ईजी वन। बाय द मेथड ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स हम इसका आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन क्या होगी, लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, ठीक है, मैं लेट नाइट आया, आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड, ठीक है, आई रैन इन साइड इन फियर दैट माई हाउस हैज बीन रॉब्ड, अनलॉक देखने के बाद मैं भागा अंदर कि कहीं मेरे घर में चोरी तो नहीं हो गई, लेकिन टू माई एस्टॉनिशमेंट मेरे को पता चला कि मेरा बेटा, मेरा सन, माई सन हु हैड अ स्पेयर की हैड कम इन माई एब्सेंस। तो पहले क्या होगा, सी, फिर ए, फिर डी एंड बी, सी ए डी बी। हमारे मेथड यूज करने के बाद हमको पता चलता है कि इसका आंसर बी होगा। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी बी। दिस इज एन इजी वन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बट इन स्नैपिंग एट द सपोज्ड ट्रेजर ही ड्रॉप्ड द बिट ही वॉज कैरिंग एंड सो लॉस्ट ऑल। बट क्या ये इंट्रोडक्शन हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। देखते हैं, बी देखते हैं। व्हेन ही वॉज, ही हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग अ रिवर ऑन हिज वे होम ही सॉ हिज ओन शैडो रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रीम बिलो, ठीक है, थिंकिंग दैट इट वॉज अनदर डॉग विद अनदर पीस ऑफ मीट ही रिजॉल्व टू मेक हिमसेल्फ मास्टर ऑफ दैट ऑल्सो। A dog had stolen a piece of meat out of butcher shop. अब यहां पर thinking, think कौन कर रहा है, ठीक है, और he कौन है यहां पर, he कौन है यहां पर, he, ये हमको नहीं पता, लेकिन D अगर हम पढ़ के देखें, a dog has stolen, ये एक introduction line लग रही है हमको, और ये भी पता चल रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं ही जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो डॉग के लिए किया गया है। जस्ट बाय दिस हमको पता है कि हमारी इंट्रोडक्शन लाइन डी है, तो हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या फिर डी होगा। बी एंड सी को हम तुरंत एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखते हैं, अ डॉग हैड स्टोलन अ पीस ऑफ मीट आउट ऑफ अ बुचर शॉप, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बी होगा कि ए होगा। व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग अ रिवर ऑन हिज वे होम ही सॉ हिज ओन शैडो रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रीम बिलो, और ये क्या है, बट इन स्नैपिंग एट द सपोज्ड ट्रेजर ही ड्रॉप्ड द पिट ही वॉज कैरिंग एंड सो लॉस्ट ऑल, ठीक है। अब ए और बी में कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हम सी पढ़े, थिंकिंग दैट इट वॉज अनदर डॉग, तो उसकी शैडो के बारे में पहले ही बात हो रखी है, थिंकिंग दैट इट वॉज अनदर डॉग, तो हमको पता है बी के बाद तो सी आएगा, सी पहले नहीं आ सकता, तो सी बाद में आएगा, बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, बी पहले आएगा। जस्ट बाय दिस हमको पता चल रहा है कि हमारा आंसर कहीं ना कहीं डी निकल के आ रहा है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर वुड बी डी। इंट्रोडक्शन, अ डॉग हैड स्टोलन अ पीस ऑफ मीट आउट ऑफ अ बुचर्स शॉप। बी, व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग A river on his way home, he saw his own shadow. उसने अपनी ही परछाई देखी पानी में, ठीक है, और उसको देख के कि एक दूसरा डॉग है जो एक अनदर पीस ऑफ मीट ले जा रहा है, he resolved to make himself master of that also. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसका मीट भी ले लेता हूं, बट उसको लेने के चक्कर में he dropped the bit he was carrying and so lost all. तो उसको लेने के चक्कर में उसने जो अपने पास जो मीट थी वो भी गिरा दी। तो ये था इसका करेक्ट सीक्वेंस, और हमने सारा पढ़ा भी नहीं था, जस्ट बाय नोइंग कि इंट्रोडक्शन लाइन क्या होगी और इवेंट्स में पहले कौन और बाद में कौन आ रहा है। उसने पहले अपनी शैडो देखी और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो मीट भी लेगा जो कि उसको शैडो में दिख रही है।
बी और सी में जस्ट हमको पता करना था कि पहले कौन सा आ रहा है, और हमने ए और डी में से एलिमिनेट करके डी को करेक्ट आंसर चूज कर लिया। अब देखिए, अब तक हमने सिर्फ इन्हीं मेथड्स का यूज किया और हमारे सारे करेक्ट आंसर्स आए हैं। कौन से मेथड्स? इंट्रोडक्शन, इवेंट्स को पता लगाना, सेंट्रल थीम को पता लगाना। बस आगे देखते हैं 14th। अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउएवर आर इट्स ऑयल्स विच इट्स ऑयल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड पोजेस्ड प्रोसेस्ड एंड मार्केटेड फॉर कलिनरी मेडिकल एंड कॉस्मेटिक यूजेस लाइक। ठीक है, हाउएवर इंपॉर्टेंट, इन शब्दों को अगर आप नोट करें तो हमको ये नहीं पता कि किसके ऑयल्स की बात की जा रही है। आगे देखते हैं, कोकोनट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथिंग टू एनिमल फीड टू ब्यूटी क्रीम्स। ये देखिए, बात तो कोकोनट प्रोडक्ट्स की करी जा रही है, कहीं ना कहीं ये तो हमको पता चल गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, द कोकोनट इज अ वेरी यूजफुल प्लांट विद अ वाइड रेंज ऑफ। अब देखिए, कोकोनट और कोकोनट प्रोडक्ट्स, इसमें से कोकोनट प्रोडक्ट्स जो है वो निकलते किससे हैं? कोकोनट से। तो इंट्रोडक्शन कोकोनट की होनी चाहिए, कोकोनट प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए, ऑफ कोर्स कोकोनट की होनी चाहिए। इज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम इट। तो इसमें से वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट निकलते हैं, जो कि हम बाद में बात भी करी जा रही है कि उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आर यूज्ड इन क्लोथिंग एनिमल फीड ब्यूटी क्रीम्स। तो कोकोनट एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आता है अपने साथ। इट्स कर्नल इज हार्वेस्टेड फॉर इट्स एडिबल फ्लैश एंड डिलीशियस वाटर व्हाइल इट्स हस्क इज यूज्ड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फाइबर। अब ये इसका यूसेज बता जा रहा है कि उसका यूसेज कैसे कैसे किया जाता है। वीडियो पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। आई होप आप सबने इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने का ट्राई किया होगा। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे हमने डिस्कस करा था कि इंट्रोडक्शन तो सी होगा, क्योंकि कोकोनट के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद ये बात करता है, ऑप्शन सी ही देखें तो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इट कम्स विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। उसकी कंटिन्यूटी पे हम बात करते हैं कि कोकोनट प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ काम आते हैं, क्लोथिंग, एनिमल फीड और ब्यूटी क्रीम्स में। फिर हम बताते हैं, इट्स कर्नल इज हार्वेस्टेड फॉर इट्स एडिबल फ्लैश डिलीशियस वाटर व्हाइल इट हस्क इज यूज्ड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फाइबर। लेकिन अब एट लास्ट हम बताएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उसका ऑयल है, विच आर एक्सट्रैक्टेड प्रोसेस्ड एंड मार्केटेड फॉर ऑल सच थिंग्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दीज काइंड ऑफ शार्क आर नोन एज ऑब्लिगेट रैम वेंटिलेटर बिकॉज दे ड्रॉ वॉटर इन थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट आउट थ्रू देयर गिल्स। दीज काइंड ऑफ शार्क, किस तरह की शार्क्स? आगे पढ़ते हैं, दे यूज्ड अ मेथड कॉल्ड ब्यूकल पंपिंग इन विच वाटर इज पुल्ड इन थ्रू द माउथ एंड फोर्स्ड आउट थ्रू द गिल्स बाय चेक चीक मसल्स। ठीक है, अब ये बता जा रहा है कि वो क्या मेथड यूज करते हैं। इट इज ट्रू दैट मेनी टाइप्स ऑफ शार्क मस्ट कीप मूविंग इन ऑर्डर टू रिसीव लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वॉटर पासिंग थ्रू देयर गिल्स। ठीक है, ये उनकी रेलिवेंस बता रहा है कि अलग अलग टाइप की शार्क्स जो है वो घूमती रहनी चाहिए। अदर टाइप्स ऑफ शार्क्स आर एबल टू रिमेन स्टेशनरी बिकॉज दे पोजेस स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पेरिकल्स विच फोर्स वाटर आउट थ्रू देयर गिल्स। अब ये एक अलग टाइप की शार्क के बारे में बात कर रहा है जो कि स्टेशनरी रहती है और ये कीप मूविंग इन ऑर्डर। अब आप वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए इसका करेक्ट आंसर पता लगाने की। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी डी। ठीक है, अब यहां पर हमने इनको एलिमिनेट क्यों करा कि दे हमको पता ही नहीं कि कौन यूज कर रहा है ये मेथड। वी डोंट नो दीज काइंड ऑफ शार्क्स, विच टाइप ऑफ शार्क्स, यहां पर दो टाइप की बात करी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पुट करा है सी को। इट इज ट्रू दैट मेनी टाइप्स ऑफ शार्क्स, अलग अलग टाइप की शार्क्स होती है जो कि विच मस्ट कीप मूविंग इन ऑर्डर टू रिसीव, कि उनके रहने से एक लाइफ गिविंग ऑक्सीजन मिलती है जो कि उनके गिल्स के थ्रू पास होती है। ठीक है, अब हम जाते हैं इनकी इन्हीं की शार्क्स के बारे में कि ये कैसे काम करती है। दीज काइंड ऑफ शार्क्स आर नोन एज ऑब्लिगेट रैम वेंटिलेटर्स बिकॉज दे ड्रिव वॉटर इन
थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट आउट थ्रू देयर गिल्स, ठीक है, गिल्स के थ्रू पास होगी तभी तो ये ऑक्सीजन मिलेगी। तो सी के बाद हमारे पास ऑप्शन जो आ गया वो है ए। अब आता है बी, दे यूज अ मेथड कॉल्ड ब्यूकल पंपिंग। अब इस मेथड को वो बोलते हैं ब्यूकल पंपिंग, इन विच वाटर इज पुल्ड इन थ्रू द माउथ एंड फोर्स आउट थ्रू द गिल्स। अब हमको पूरी एक्टिविटी बता दी और उसको बता दिया कि उसको बोलते क्या है। इस तरह की शार्क्स के बारे में बात हो गई। अब अदर टाइप्स ऑफ शार्क्स आर एबल टू रिमेन स्टेशनरी बिकॉज दे पोजेस स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पेरिकल्स विच फोर्स वाटर आउट थ्रू देयर गिल्स। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ओल्ड माउस हु वॉज वाइस एनफ टू कीप हिज डिस्टेंस विस्पर्ड टू अ फ्रेंड मेनी अ बैक हैव आई सीन इन माई डे बट नेवर वन विद अ कैट्स हेड। शी होप्ड दैट द माइस वुड नो लॉन्गर बी अफ्रेड टू कम नियर हर। सी अ कैट, शी हमको पता है नहीं पता, क्या ये इंट्रोडक्शन हो सकता है? हो सकता है, आगे देखते हैं। अ कैट ग्रोन फीबल विद एज एंड नो लॉन्गर एबल टू हंट माइस एज शी वंस डिड, दो टू हर सेल्फ हाउ शी माइट एंटाइस देम विद इन रीच ऑफ अ पॉ थिंकिंग दैट शी माइट पास। क्या ये इंट्रोडक्शन हो सकता है? नहीं। सी और ए। अब आप वीडियो पॉज करिए और पता लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आप सभी ने ट्राई करोगा और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है हमारा? सी, हमने क्या डिसाइड, मैंने आपको कितना एलिमिनेट करके दिया था कि इंट्रोडक्शन तो ए या सी में होगा, दैट शी माइट और शी होप्ड की वजह से हमने इन दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया था। अब ऑप्शन डी क्या बोलता है? अ कैट, पहले ऑप्शन सी आएगा, थिंकिंग दैट शी, कैट के बारे में बात कर रहा है, डी आएगा, फिर बी, शी होप दैट माइस वुड नो लॉन्गर बी अफ्रेड टू कम नियर हर, एंड एट लास्ट कम्स ऑप्शन ए। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी ने ठीक करा होगा अभी तक जो हमारे मेथड्स हमने सीखे हैं उनको यूज करते हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सम केसेस द प्रॉब्लम ऑफ द लोअरिंग ऑफ द रिवर बॉटम हैज कॉज्ड द वाटर टेबल ऑफ द सराउंडिंग एरिया टू ड्रॉप। वाटर टेबल के बारे में बात कर रहा है, प्रॉब्लम क्यों है? लोअरिंग ऑफ द रिवर बॉटम विच हैज एडवर्सली अफेक्टेड एग्रीकल्चर, इसने एग्रीकल्चर को इफेक्ट करा है। ऑल्सो क्या ये हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है? नहीं। बी ऑप्शन को आप तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। द एवर इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिवर हैज गिवन राइज टू वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो सकता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर रहा है। फर्दर क्या ये इंट्रोडक्शन हो सकता है? नॉट एट ऑल। तो आप अगेन ऑप्शन डी से जो स्टार्ट हो रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए। नाउ यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। दोनों का ऑप्शन जो इंट्रोडक्शन है वो सी होगा, जस्ट बाय दिस हमें पता चल रहा है। अब इसका कंटिन्यूशन ए होगा कि डी होगा, अगर आप इतना भी पता लगा पाए कि सी के जस्ट बाद ए आएगा या डी आएगा, आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। वीडियो पॉज करिए और इसको ट्राई करिए अटेम्प्ट करने का। आई होप आपने ये वीडियो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सी के तुरंत बाद ए आएगा, नॉट डी। द एवर इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिवर हैज गिवन राइज टू अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। इन सम केसेस द प्रॉब्लम ऑफ द लोअरिंग ऑफ द रिवर बॉटम हैज कॉज्ड द वाटर टेबल ऑफ द सराउंडिंग एरिया टू ड्रॉप व्हिच हैज एडवर्सली अफेक्टेड एग्रीकल्चर। जस्ट बाय दिस आपने बाकी स्टेटमेंट अभी पढ़ी नहीं, जस्ट इनको एलिमिनेट करा और इसकी कंटिन्यूशन में पता लगाया कि इसका कंटिन्यूशन ए होगा, हमको हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं। 18th, he was caught by the police on the spot. Anil bought a car last week. Unfortunately, the car met with an accident today. The accident took place due to carelessness of his driver. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? क्या अनिल एक गाड़ी लाया? अनिल bought a car last week. ठीक है, unfortunately क्या हुआ? The car met with an accident today. एक्सीडेंट हुआ क्यों? द एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ हिज ड्राइवर, ड्राइवर की वजह से
ड्राइवर ही वॉज कॉट बाय द पुलिस ऑन द स्पॉट. इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए देखते हैं. करेक्ट आंसर वुड बी डी. अनिल बॉट अ कार. अनफॉर्चुनेटली द कार मेट विद एन एक्सीडेंट. द एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू कैरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर एंड एट लास्ट वो पकड़ा गया पुलिस से ऑन द स्पॉट. दिस वॉज एन इजी वन. इसी के साथ आगे चलते हैं. 19th. But a dove that happened to be sitting on a neighbor. This is a kind of a bird which you have seen in many videos or even advertisements, right? That happened to be sitting on a neighboring tree, saw the ant's danger and plucking off a leaf, let it drop into the water before him. Just at that time, a fowler was spreading his net and was in act of ensnaring the dove when the ant, perceiving his object, bit his heel. An ant went to a fountain to quench his thirst, tumbling in, almost drowned. An ant. The ant mounting upon it was presently waffled safely ashore. Pause करिए और try करिए इसको attempt करने की. काफी अच्छा question है ये. आई होप आप सभी ने इसको ट्राई करा होगा. अब देखिए इसमें इंट्रोडक्शन क्या ये हो सकता है. बट अ डव दैट हैपन टू बी सिटिंग हो सकता है. जस्ट एट दैट टाइम इंट्रोडक्शन हो सकता है. एन एंट वेंट टू अ फाउंटेन टू क्वेंच हिज थर्स्ट टम्बलिंग इन ऑलमोस्ट ड्राउंड. क्या ये इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है. आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. देखिए इंट्रोडक्शन यही होगा. स्टोरी की बिगिनिंग है ये. An ant went to a fountain to quench his thirst and tumbling in, gir gaya and almost drowned. Wo almost usme giri gaya tha fountain mein. Uske baad kya hua? But a dove that happened to be sitting on a neighboring tree, jo paas hi ke tree pe baitha hua tha, usne us ant ko danger mein dekha and plucking off a leaf, let it drop into the water before him. To usne ek patti todi और उस एंट के जस्ट सामने गिरा दी. आगे द एंट्स माउंटिंग अपॉन इट. तो वो एंट ने क्या किया उस पत्ती के ऊपर माउंट अपॉन इट. इट वॉज प्रेजेंटली वफल्ड सेफली अशोर. उसको बचा लिया. लेकिन जस्ट एट दैट टाइम जब वो उस पर चढ़ गया. अ फाउलर वॉज स्प्रेडिंग हिज नेट एंड वॉज इन द एक्ट ऑफ एंसनैरिंग द डव व्हेन द एंट परसीविंग हिज ऑब्जेक्ट बिट हिज हील. तो ये था इसका करेक्ट आंसर. इसमें आपको इंट्रोडक्शन पता चला कि सी होगा. फिर उसके बाद आपने जस्ट बाय सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स आपने इसका करेक्ट आंसर डिराइव करा. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंस इज प्राइमरीली फॉर इट्स लोकेशन. क्या हाउएवर से स्टार्ट होने वाला कोई सेंटेंस हमारे लिए इंट्रोडक्शन हो सकता है. देखते हैं बाकी ऑप्शन को. बट अनलाइक अदर रिवर्स. बट ऑल दो क्या ये हमारे इंट्रोडक्शन हो सकते हैं. लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं. अमेरिका हैज सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम्स. ठीक है. ऑल दो नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर द रियो ग्रैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन अमेरिका. बट अनलाइक द अदर रिवर इट इज नॉट यूज फॉर शिपिंग. हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंस इज प्राइमरली फॉर इट्स लोकेशन. क्या हमको इसका सिंपल सा आंसर मिल गया है. आइए इसका आंसर देखते हैं. यस द करेक्ट आंसर वुड बी बी. हमने पहले बताया इसकी इंट्रोडक्शन पता लगाई. इंट्रोडक्शन पता लगाने के बाद आपको पता चले कि आप ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दीजिए. अमेरिका के पास सेवरल लॉन्ग रिवर्स सिस्टम है. ठीक है. लेकिन उसके बावजूद ऑल दो नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर जो सबसे लंबी रिवर नहीं है ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है. क्योंकि अनलाइक द अदर रिवर्स इट इज नॉट यूज फॉर शिपिंग. शिपिंग की यूज नहीं आती है. हालांकि इसका पर्पज क्या है. इट्स इंपॉर्टेंस इज प्राइमरली फॉर इट्स लोकेशन. इसकी लोकेशन की वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. तो इसी के साथ आज हमारा जो पैरा जंबल था वो टॉपिक फिनिश हो गया है. हमने क्या देखा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे और उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिराइव करें. हमने मेथड सीखे
जैसे कि इंट्रोडक्टरी लाइन को पता कैसे लगाएं, मेन थीम क्या है, सीक्वेंस क्या है एक्ट्स के, और इन्हीं मेथड से हमने ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में देखे गए हैं काफी अदर एग्जाम्स में और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और आई होप आप सभी को इन सारे मेथड्स को यूज करके आपने आंसर डिराइव करे होंगे और काफी इजीली आपने इनको सॉल्व करा होगा। थैंक यू।